أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين أهل السنة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلات والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين حسن تخليق کا شاہکار حسین ابن علی حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی گلے گلزار حرم زبدہ آل حاشم گلے گلزار حرم زبدہ آل حاشم نور سید ابرار حسین ابن علی بزم ایمان و یقین کے لیے شمع وفا بزم ایمان و یقین کے لیے شمع وفا صدق و اخلاص کا معیار حسین ابن علی دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں ارے اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی حق نے باطل کو بہر حال پن پنے نہ دیا حق نے باطل کو بہر حال پن پنے نہ دیا اس چیز کا ہے اظہار حسین ابن علی ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی جہاں حق جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا جہاں حق جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا چاسو ہے تیرا دیدار حسین ابن علی چار سو ہے تیرا دیدار حسین ابن علی چار سو ہے تیرا دیدار حسین ابن علی خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجا کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قبلہ سیدی و سندی حضور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء ذی وقار فراش ویلفیئر سوسائٹی کے تمام اراکین اور اہل علاقہ
और जितने भी राजा बरादरान ये खानदान और दीगर मुतल्लिकीन अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीम शान सालाना इज्तमा और ये सालाना इल्मी रूहानी दस्तरखान अहले हक का झंडा बुलंद करने वाली शख्सियात अल्लाह सबको सलामत रखे। अहले बैत इकराम की मोहब्बत में जमा होने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग होते हैं और शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है कि जिनके सीनों में मवद्दत अहले बैत है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बख्शने का प्रोग्राम बना लिया है। मोहब्बत अहले बैत के ये दौलत ऐसी दौलत है कि मोहब्बत अहले बैत के सदके बंदे का दिल सुथरा होता है। बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत बैठती है फरमाया फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल की सारी बीमारियां वो दूर हो जाती हैं और बंदा इखलास लिल्लाहियत और अल्लाह के कुर्ब की मनाजिल में चला जाता है। शर्त यह है कि वो असली मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे अहले बैत बंदा वो आहिस्ता 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 उसका रुख बदल जाता है, उसका सिस्टम बदल जाता है और उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला खास राहें मुंतखब फरमा देता है। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व ताला इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है अल्लाहु अकबर जिसमें फरमाया उरकबु आला मुहम्मद उरकबु मुहम्मद। हुज़ूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करो किस में अहले बैत। फरमाया हुजूर को अगर तलाश करना है तो उनके अहले बैत में तलाश करो। यानी सरकार की करम नवाजी सरकार की शफकत सरकार की निगाह करम उसी बंदे पर होती है, उस पर भी नहीं उस पर ही होती भी नहीं उस पर ही होती। मुहब्बे अहले बैत अहले बैत का सच्चा खादिम है अहले बैत की सच्ची गुलामी अल्लाहु अकबर रखता है। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हुब्ब अहले बैत नाफ़िउन फी सब' मवातिन अहवालुहुन अज़ीमा इंदल मौत व इंदल क़ब्र व इंदल नुशूर व इंदल हिसाब व इंदल सिरात व इंदल मीसाद। फरमाया अहले बैत की मोहब्बत सात मौकों पर काम देती है जिनमें बड़े अजीम मौके मरते वक्त कब्र में हशर में पुल सिरात में तोलते वक्त मीजान के वक्त मोहब्बत अहले बैत काम देगी। तो इस लिहाज से ये ऐसी दौलत है कि रब जिनको बख्शना चाहता है जिन पे रब करम करना चाहता है अल्लाह उनको ये दौलत अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। हजरात इतना खूबसूरत इज्तमा है रूहानी इज्तमा है और अभी महसूस हो रहा है कि इस इज्तमा का जो सिस्टम है और कनेक्शन है वो करबला वाली सरकार से आपके चेहरे आपकी मोहब्बत सुभान अल्लाह बैठते इतनी रूहानियत और ये आपका इखलास और आपकी मोहब्बत है मुंतजमीन का प्यार है अल्लाहु अकबर। तो इस लिहाज से ये चंद बातें मैं जरूरी आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहूंगा कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। ईमान की पहचान अहले बैत इकराम की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत है। रसूल के अहले बैत ये इसलिए तो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हुजूर मुजद्दद अलफसानी सरकार पाक ने फरमाया अल्लाहु अकबर और हुजूर मुजद्दद साहब वो हस्ती हैं कि पैदा होते ही जिनको गुट्टी सरकार ने खुद अता फरमाया कानों में अजान सरकार ने खुद पढ़ी मुजद्दद साहब सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर जिनमें जो इतनी बड़ी हस्ती है वो फरमाते हैं लोगों याद रखो मोहब्बत अहले बैत शायर अहले सुन्नत
فرمایا اہل بیت کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے, اہل سنت کا شعار ہے اہل بیت کی محبت. یہ تو امام شریف ہے اہل سنت کا, شاید میں سمجھا نہیں سکا. یہ تو تاج ہے اہل سنت کا اہل بیت کی محبت. لیکن مقتدر سامی حضرات یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت آئے تو دو نشانیاں ضرور ہوتی ہیں, دو نشانیاں بندے کے اندر ضرور ہوتی ہیں. دیکھیے نا کہ ایک بندہ ہے تو کوئی بھی کام کرتا ہے تو کام اگر صحیح کرتا ہے تو پھر اس کی نشانیاں ہیں, ایسے ہی ہے. تو اہل بیت کی محبت کی دو نشانیاں کیا ہیں؟ شیخ محقق فرماتے ہیں پہلی نشانی ہے کہ جب اہل بیت کی محبت بندے کے سینے میں آتی ہے تو پھر اس سینے میں رسول اللہ کی کسی نسبت کا ذرہ برابر بھی بغض نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نسبت کا ذرہ برابر بھی اس طرح کمزوری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر رسول کی آل کا سچا پیار ہے تو نشانی یہ ہوگی کہ حضور کے جتنے اصحاب ہیں, حضور کی جتنی نسبتیں ہیں, ان کا ادب بھی ایٹومیٹک دل میں آ جائے گا. شیخ محقق فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت کمزور ہوئی یا نہ ہوئی تو فرمایا پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کسی بھی نسبت کی نفرت آ سکتی ہے, کسی بھی نسبت کی نفرت آ سکتی ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ فرمایا کہ اہل بیت کی جو محبت ہے اس کا منبع اور دیگر نسبتوں اور صحابہ کی محبت کا منبع یہ دو نہیں ہیں, یہ مرکز ایک ہے. اہل بیت کی محبت کی وجہ بھی سرکار مدینہ ہے اور صحابہ کی محبت کی وجہ بھی مدینے والی سرکار. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ غور کرنے والی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز ہے اور حضور کی ذات کی وجہ سے سب سے پیار ہے. سب سے میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت حامی سنت ماہی بدت عظیم البرکت اعلی حضرت سبحان اللہ, یہ کیسی ہستی ہے کہ ان کا نام لینے سے بھی دل میں نور و سرور آتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ اتنے خوبصورت لوگ ہیں, میں نے جانچ لیا ہے آپ کو کہ جب میرے امام کا نام آیا تو آپ کی چمک بڑھ گئی ہے, آپ کی آنکھوں میں نور بڑھ گیا ہے. آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی مزید رحمتیں اور برکتیں آپ کا مقدر فرمائے. حضرات اعلی حضرت وہ شخصیت ہے دکھ کا علاج کوئی نہیں, لیکن حقیقت بات ہے اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کو سمجھنا چاہیے کہ امام احمد رضا وہ شخصیت ہیں کہ 14ویں صدی میں بڑے بڑے اولیاء عرفاء اور صلحاء نے لکھا ہے کہ 14ویں صدی میں حضور کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میں چاہتا ویسے کتنا خوبصورت حافظ صاحب نے نعرہ لگایا, لیکن اگر اس مجمع میں اہل سنت کا اہل محبت کا اور حضور کی نسبتوں کے ادب کا مجمع ہے تو پھر اعلی حضرت کے نام پر تو اکثر ہاتھ اٹھ جانے چاہیے, جوش ہونا چاہیے. اعلی حضرت کو عام سی شخصیت تو نہیں نا. اللہ اکبر. ایک نام, ایک تاریخ, ایک حقیقت, ایک صداقت, ناقابل تردید سچائی, افاقیت سے عبارت, محسن ملت اسلامیہ, نامور فقی, عظیم المرتبہ محدث, جلیل القدر عالم دین, زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والے مدبر, رفیع المرتبہ مفسر قرآن, جلیل القدر عالم دین, سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید, چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیتاج بادشاہ, وقت کا رومی, وقت کا رازی, وقت کا غزالی, وقت کا جامی, عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل, دو قومی نظریے کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا
वो मर्द हुर्रियत नाथकोई के मैदान में हजरत हसन और काब की रवायात जिंदा करने वाला वो आशिक रसूल कादानिया खारजिया राफजिया सबके लिए सहबे बुरहानी शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर लोग दाना जनते इल्मे सैयद अबरार पर हर वली हर गौस को बेदस्तो बेपा समझा गया या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिर्क का। एक दिन मस्जिद को जलाल आ ही गया मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया सूरत तस्की की निकली दिले सी माप से अचानक एक किरण फूटी चर्ग पे महताब से उस किरण को आहले दी अहमद रजा कहने लगे उस किरण ने राह इमाम को मुनव्वर कर दिया फूल तो फूल खारू को भी गुलेतर कर दिया वो इमाम अहमद रजा जिनके मुर्शिद खुद फरमाते हैं आले बार आले रसूल मारहनवी जो वक्त के कुतुब और गौस थे उन औलिया में से थे जो तकवीनी निजाम को चलाने वाले थे आले रसूल मारहनवी खुद फरमाते हैं खुदा ने अगर कयामत के दिन मुझसे पूछा कि आले रसूल मारहनवी मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए क्या लाया है तो मैं अर्ज करूंगा अल्लाह अहमद रजा लाया इसको मोहब्बत इसको मोहब्बत हाथ सब उठा ले हाथ उठा ले सुनिए गौर फरमाइए वाह 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 अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मैं एक मर्तबा अर्ज करूंगा हजरात की मोहब्बत के पेश नजर एक मर्तबा अर्ज करूंगा सुनियो इमाम साहब का जब नाम आए सर झुक जाए दिल झुक जाए तुम्हारी हमारी नस्लों पर एहसान है इमाम अहमद रजा का फरमाते हैं आप फरमाते हैं देखिए कि सहाबाए कराम या अहले बैत को हम जो मानते हैं उसकी वजह क्या है क्या वजह है कि हम मानते हैं और अगर हजरत ये बात आपने गौर से सुनी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उठते वक्त जरूर महसूस करेंगे कि आपके दिल में इजाफी कोई नूर भरा गया आपके दिल में इजाफी लंगर डाला गया आपकी रूह सैराब हुई है। अब तवज्जो फरमाइएगा जो बात में रखने लगा हो अल्लाह अकबर अब गौर फरमाएं वो क्या है और अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो हो इधर उधर तवज्जो ना हो बंदे तो आते जाते हैं ये दुनिया का उसूल है तो आपकी तवज्जो इधर होगी आज बड़ा खास दिन है और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ हाजिर हुआ सच्ची बात अर्ज कर रहा अल्लाह अकबर तो इसलिए आपकी सारी तवज्जो जो है वो लंगरे हुसैनी की तरफ हो। अब तवज्जो फरमाइए आला हजरत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत की जो मोहब्बत है इसके पीछे बुनियाद क्या है ये समझना जरूरी है और सहाबा की जो मोहब्बत है उसके पीछे क्या बुनियाद है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जो शराइत बयान करते हैं उनमें असल में फजल रसूल शाह साहब अदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह अकबर आपकी किताब पर आपने हाशिया और शरा लिखी तो उसमें सैयदी आला हजरत फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि ये जो सहाबा की मोहब्बत है या अहले बैत की मोहब्बत है फरमा वलैस हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अहब्ब रसूलल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीअ वमन अबगद बादहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल हाय 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 वाह सुभान अल्लाह ऐसे लगा कुरान का वरका खुल गया ऐसे लगा कुरान शरीफ का नूर आ गया अल्लाह अकबर फरमाते लैस हुब्बु सहाबाति लिज़वाति सहाबा की मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं अहले बैत की मोहब्बत उनके नफूस की वजह से हुजूर वजह क्या है फरमाया बल हुब्बुहुम जमीअ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सबसे प्यार रसूलुल्लाह की वजह से हुजूर की वजह से और सरकार की वजह से जब प्यार है तो फिर पता चला वजह मोहब्बत हुजूर है तो जब वजह मोहब्बत हुजूर है मरकज हुजूर है तो फिर क्या है फमन अहब्ब रसूल
जो रसूल अल्लाह से प्यार करे। मेरे नौजवान यहाँ बैठे हैं और बड़े अदब से आप सुन रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मजमा है। अहले सुन्नत के बहुत कम मजमे ऐसे होते हैं जैसे आप बैठे, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप सुन रहे हैं। और इसका फायदा लेते हुए मैं बड़ी बड़ी मोहब्बत के साथ आपको इस्लाही पैगाम देना चाहता हूँ कि सरकार की मोहब्बत की निशानी क्या है। जब सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत हुजूर की वजह से है तो फिर जो हुजूर से प्यार करता है, आला हजरत आगे फरमाते हैं फमन अहब्ब रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह से प्यार करे वजब अन युहिब्बहुम जमीअ, उस पर वाजिब है। क्या है? वितर पढ़ते हो या नहीं? गुजारा होता है वितर के बगैर? बोलो, नहीं होता। तो ये वाजिब है, फरमाया उस पर वाजिब है। किस पर? जो रसूलुल्लाह से प्यार करे। एरे गैरे की बात नहीं, राइट लेफ्ट जो है उसकी बात ही नहीं। जो कहता है मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, यानी मैं साहिबे ईमान हूँ, मैं रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ, तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए ये शर्त है वजब अन युहिब्बहुम जमीअ, उस पर वाजिब है कि वो रसूलुल्लाह की आल का भी एहतराम करे, हुजूर के असहाब का भी एहतराम करे, सबको माने, सबको माने। अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह आप जिस अंदाज में सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक लफ्ज जरूर कहना है। वो क्या कहना है कि जब आप कहते ना कि पंजाबी में हुन चासा, आगे भी क्या बात है ऐसा माशाल्लाह, और सदा तो लमा शफकत और आपकी मोहब्बत। लेकिन आप तो फिर जाहिर है कि गुलशने फातिमा का एक और फूल और खुशबू, सुभान अल्लाह, और बहुत बड़ी बड़े शरीर की अजीम रूहानी दरगाह अस्तमाल या चूरा शरीफ, सुभान अल्लाह। कल वहाँ हाजिरी हुई और मज़ारा शरीफ पर हाजिरी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। चूरा शरीफ, चूरा शरीफ, सुभान अल्लाह अकबर। तो हुजूर बात यह है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जो प्यार है ये है मेयार ईमान। हुजूर की अहल की जो मोहब्बत है ये अहले सुन्नत का शआर है, और अहले बैत की जो मोहब्बत है ये है क्यों? फरमाए ये इसलिए है वलैसा हुब्बु सहाबति लिसवातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअ लिउसलातिहिम बिरसूलिल्लाह। फरमाया सहाबा की मोहब्बत भी उनकी ज़वात की वजह से नहीं, और अहले बैत की मोहब्बत भी उनके नफूस की वजह से नहीं। तो फरमाया फिर वजह क्या है? बल हुब्बुहुम जमीअ लिउसलातिहिम बिरसूलिल्लाह। फरमाया सबसे प्यार रसूलुल्लाह के वसीले से है। आले नबी की ज़ियारत करके हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो ना यार, हाय हाय। और मैं आपसे अर्ज करूं, तुम कबर को सामने रखते, कबर को सामने रखते हुए अहले बैत के जिक्र पर, सहाबा के जिक्र पर, मौला अली पाक के जिक्र पर, सुनैने करीमैन के जिक्र पर, मैं एक नसीहत, बुजुर्ग बैठे हैं और सबसे जूनियर हूँ, लेकिन मैं तरला लेने लगा हूँ। आप अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए जब मौला अली पाक का जिक्र हो या हुसैन करीमैन पाक का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र हो, मचल जाया करो, चेहरे खिल जाए, हाथ उठ जाए। उसकी वजह क्या है? सुनिए सुनिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आज आपकी जो नस्ल है कहीं आर्टिफिशियल सिस्टम को देखकर ये ना सोच ले, ये ना अकीदा बना ले कि जी मानते तो वो है। बात समझ में आई है या नहीं आई? हो सकता है गुमा, देखो ना जो दिखता है वो बिकता है, बच्चों को तो पता नहीं। तो ऐसे 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 जब होगी तो कहते हैं और गलते हैं, मानते तो हैं जहर। तो इस लिहाज से मैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, सुन्नी आज भी सच्चा तू है, कल भी सच्चा तू है। अहले बैत का जिक्र हो तो पता चलना चाहिए जमाने को कि सुन्नी भी अहले बैत को नहीं मानते, सुन्नी ही अहले बैत को। हाथ उठा के क्या सुभान अल्लाह,
मजा आ जाए सुभान अल्लाह। सरकार की आने बैत का जिक्र है, हुजूर की निस्बतों का जिक्र है और सरकार के प्यार का, ऐसे कोई बात है, थोड़ी सी बात है ना ना उस। और मैं एक और बात भी अर्ज करूं सर, हुजूर की बिला शादी बैठे हैं और आप तो लुत्फ और आ रहा है, मोहब्बत से कहने लगा हूं, अगर आर्टिफिशियल जो फूलों वाले हैं वो तो दुकान सजा के बैठे हैं और जो असली वाले हैं वो दुकान ही ना लगाए, शटर ही नीचे रखे। आपकी समझ शरीफ में शायद नहीं आ रहा भाई, आर्टिफिशियल फूलों वाले सोनी दुकान लगाए सजाए, कह लो आ जाओ असली यही है, असली यही है, अवाम ने कहना यही असली है, तो जो असली वाले हैं उन्होंने दुकान सजाई कोई नहीं, उन्होंने दुकान लगाई कोई नहीं, उन्होंने शटर भी नीचे रखे हुए हैं, तो फिर अब अवाम का कसूर तो नहीं है ना? क्यों? कि जो नकली है उन्होंने सजावट ही ऐसी कर दी है, असली से भी सोना फूल लग रहा है नकली का, तो जो असली वाले हैं उन्होंने शटर नीचे रखा हुआ है, वो हजरत आर्टिफिशियल वाले ऐसे ऐसे करके सौदा बेच रहे हैं, वो सुन्नी मौला अली का नाम आए तेरी आंखें भी नीचे, सुभान अल्लाह, असली वाला शटर नीचे रखेगा तो फिर गांव तो यही कहेगा ना कि असली वही है, वो सुन्नी जब मौला अली का नाम आ जाए, जब हुसैन करीमान का नाम आ जाए, वे भर जाए आए चेहरा खिल जाए और जुबान से कह दे और हाथ उठा के तेरी जुबान से निकल जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जब नारा हैदरी आए तो पता चले नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी सुन्नत। अपनी नस्लों को बचाओ, सुस्ती से नहीं बचेंगी, सोने से नहीं बचेंगी, इस रवैये से नहीं बचेंगी, इस रवैये से हो सकता आपका बेटा कहे पापा मैं तो उधर देखता हूं तो मौला हुसैन के नाम पर तो वो मरने को तैयार हो जाते हैं, तो बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे को तो नहीं पता। क्यों? मैं इसलिए अर्ज करता हूं सच्चा सच्चा तू है, क्यों? हुजूर शेख मुहद्दिक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने और मैं शाह साहब के कदमों में हाथ रखकर मैं हुजूर मुजद्दद तो सानी पाक की बात करने लगा हूं। हुजूर मुजद्दद साहब फरमाते हैं कि जिसमें अहले बैत की मोहब्बत का नूर होगा, जिस जमात में, सुनिए फिर, जिस जमात में अहले मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत का नूर होगा उसकी निशानी ये होगी क्यामत तक कि उसमें अल्लाह वली रखेगा। आपका आपका नाम ही ऐसा है, अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल भी जब हाजिर हुए तो कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहर पर, वो खाक के जरे खल्क है मतलब अनवार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबान, अल्लाह ने मर वक्त किया जिसे खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जागीर के आगे, जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी अहरार, और की अर्ज मैंने कि अता मुझको भी फकर हो, आंखें मेरी बीना है लेकिन दिल नहीं बेदार। हुजूर मुजद्दद साहब फरमाते हैं कि जिस जमात में अली होंगे, हाथ नीचे नहीं रखना, हाथ नहीं हाथ उठा लो, फरमाते हैं जिस जमात में अली होंगे उस जमात में वली होंगे। क्यों? ये बात है आमनु व आमिलु सालिहात का रिजल्ट विलायत है, आमनु अकीदा है, आमिलु सालिहात अमल है, अकीदा जमा अमल मिले तो विलायत है। भाई
रिजल्ट हो ना। अब मैं आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा हूँ कि देखिए, चलो एक मिसाल देने लगा हूँ और मोहब्बत से आ, और फिर आज बात करने से आपसे मजा भी बड़ा आ रहा है। अल्लाह, मैं दूसरी मरतबा यहाँ हाजिर हुआ हूँ, आपकी तबीयत की वजह से ही मैंने दूसरा टाइम दिया कि आप लोग इलम सुनने वाले लोग हैं। हमारी चूंकि शादी के बाद मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, हमारे जमींदारों में ना जी ट्यूबवेल चलता है, और जब ट्यूबवेल चलता है तो एक पानी जिस जगह से जाता है उसे खाल कहते हैं, नाला कहते हैं, आड़ कहते हैं। आप क्या कहते हो? खाला कहते हो, नाली कहते हो, खाला कहते हो। अब ध्यान से आपने बात सुननी है कि ट्यूबवेल भी चल रहा हो, पानी भी आ रहा हो, खाल भी ठीक हो, पहली खुशखुश ये हो सकता है? बोलो, नहीं ना हो सकता। फिर जवाब सोच के देना, शाह साहब की ज़ियारत करके। ट्यूबवेल भी ठीक हो, पानी भी आ रहा हो, खाल भी ठीक हो, पहली पीछनी चाहिए कि नहीं? शराब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन रिजल्ट क्या है, हालात क्या है? ट्यूबवेल भी चल रहा है तुम्हारे बकौल, खाला भी ठीक है, पहली खुश गए। 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल से दरसे कुरान, दरसे हदीस, मस्जिद, तबलीग, हर चीज तुम्हारा ट्यूबवेल चल रहा है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, इबादत इबादत, ट्यूबवेल चल रहा है। तुम्हारा खाला भी ठीक है, तुम्हारी पहली में कोई एक बूटा नहीं जिसे दाता अली हजवेरी कहा जाए। मेहर अली कहा जाए, कोई एक अमलीवान। अच्छा, तुम्हारे बकौल ट्यूबवेल भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है, दूसरी तरफ देखो या हुसैन चलो दस दिन ही सही, लेकिन खून निकाल लिया। तफरका परवरी पे मैं लानत भेजता हूँ, दयानतदारी से मैं आपको अदल करने के लिए कह रहा हूँ, इंसाफ करने के लिए कह रहा हूँ। मर जाना, कब्र में जाना है, डालरू रियालू ने ना ईरान ने काम आना है, ना सऊदीया ने काम आना है, किसी शहर ने काम नहीं आना। कब्र में कमरी वाले ने काम आना है, कमरी वाले की आल ने काम आना है, हुजूर की निस्बत की जो प्यार है उसने काम आना है। मैं दयानतदारी से अदल करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है कि चलो या हुसैन अपना सीना फाड़ दिया, इतनी मोहब्बत, इतना गम कि हर शय भूल गई। 100 साल, 200 साल, 400 साल, उसमें तो वली ज्यादा होने चाहिए जिसमें इतनी मोहब्बत है अहले बैत। आप शायद बोल नहीं रहे, उसमें ज्यादा होने चाहिए कि नहीं? वही आले बैत की मोहब्बत की हद है तुम्हारे बकौल, हद तो हो गई है, हर शह भूल गई है, क्या बात है। लेकिन वली कितने? मुजद्दद अफसानी फरमाते हैं, मैं कश्फुल माजूब से दादा साहब का फरमान दिखा सकता हूँ, मैं हुजूर गौसिफ पाक का सिरुल इसरार से फरमान दिखा सकता हूँ कि फरमाते हैं जिस जगह सच होगा, जिस जगह हुब्बे बैत अहले बैत होगी, नारा नहीं मेरा भी सौदा चंगा, मेरा भी चंगा होते सारे के अंदर सच्चा। जब कसवटी होगी तो पता चलेगा कि सौदा किसका सच्चा है, सौदा किसका असली है। सारे कहते असली है, भाई असली है तो बताओ। मुजद्दद साहब फरमाते हैं, दादा साहब फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं कि जब तुम्हारे अंदर हुब्बे अली है, हुब्बे अहले बैत है, तो फिर तुम्हारे अंदर वली भी होंगे। अब सुनिए, मैं रिजल्ट देने लगा हूँ। जो समय सही जमींदार है ना, वो सोचता है कि ट्यूबवेल भी चल रहा है और खाल भी ठीक है, पहली में पानी क्यों नहीं जा रहा? तो वो सोचता है कि किसी जगह सुराख है, जिस जगह पानी जा रहा है, खाल टूटा हुआ है या चूहे ने सुराख किया हुआ है। मैं हाथ बांध के कहता हूँ, मर जाना, कब्र में जाना है, अपना रिजल्ट देख। वली कोई नहीं, ना इधर वली है ना इधर वली है, इधर खवारिज है इधर रवाफिज है, वली कोई नहीं। तो ट्यूबवेल चला रहे हो, सजदे नमाजें रुके आफात है, जिक्रे हुसैन लंगरे हुसैन नियाजे हुसैन, ट्यूबवेल तो चल चल है, लेकिन अपने खाल में देखो किसी जगह सहाबा के बोझ का सुराख तो नहीं है।
पखोड़ा खटक में क्या कुछ हो रहा है, दौरे हदीस से फारग होने वाले फारग ही हो रहे हैं। तो ये देखो तो सही ना कि इस खाल में कहीं अहले बैत की मोहब्बत का सुराख तो नहीं। क्यों जी राय साहब, कैसा देखिए, गौर करने वाली बात है भाई, पहली में पानी क्यों नहीं जा रहा, ये सवाल है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, तो अब मैंने जो रिजल्ट देना है वो देखो, जिनका ट्यूबवेल भी चल रहा है, खाल ठीक है, सुराख कोई नहीं, उनकी पहली में एक बूटा नहीं, वो सुन्नी है, वो अहले सुन्नत है, कि जिनकी पहली में कोई दाता अली हजवेरी जैसा, कोई मेहर अली शाह, कोई जमात अली शाह, कोई हिंदल वाली, कोई ओसेज अली, कायनात के जितने वाली, वो सारे इसी पहली में। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, लेकिन आप अगर आप ना बोले तो आपकी किस्मत है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद आप दयानतदारी से एक फैसला तो करें ना, एक फैसला तो करें ना, और दयानतदारी से अगर आपने करना है फिर हाथ भी उठाना है शाह साहब की मौजूदगी में। अरे शाह साहब बैठे, उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी में पता चला ये वली अहले सुन्नत में है, वली अहले सुन्नत में है, तो ये रिजल्ट है, ये पता चला कि अली भी अहले सुन्नत में है, वली भी अहले सुन्नत में है। ये रिजल्ट तो निकाल, वली किस में, आले सुन्नत में जी, रोला बेशक सारे जमाने में कोई करे, लेकिन हकीकत तो ये है ना, करबलाई भी सुननी है, मौलाई भी सुननी है। रोले की बात और है, लेकिन वली किस में बोलो, तो फिर एक जुमला और कह दूं, लेकिन आप अगर जैसे आगे बोले इसे डबल बोलना तो फिर मैं कहने लगा हूं, और मैं देख लूंगा, शाह साहब भी देख लेंगे जी। पता चला कि अगर वली हैं तो वहां अली हैं, ये पता चला। आगे जो बोलने लगा इस पे आपने डबल बोलना, अगर आपको समझ ना समझ आए फिर समझाएंगे, क्योंकि ना हम गाली वाले ना गोली वाले, दलील दरवाजे तक देंगे, अहले सुन्नत है। तो अब तवज्जो कीजिए, जो बात रखने लगा हूं, पता चला कि वली अहले सुन्नत में है तो अली भी अहले, तो अब रिजल्ट क्या है, अगर आपकी समझ में आए, पता चला सुन्नी भी अली को नहीं मानते, सुन्नी भी अली को मानते, बी नहीं, अगर बी हो तो किसी और में बी वाली हूं, आपकी समझ शरीफ में शायद बात नहीं है, दोबारा लगा, सुन्नी बी है, सुन्नी बी अली को मानते हैं, तो फिर पता चला कि किसी और में बी वाली है, रवाफिज में भी वली नहीं, खवारज में भी वली नहीं, किसी में भी वली नहीं, तो फिर बी अली को तो नहीं ना मानते, जिसमें वली है पता चला सुन्नी अली को मानते। अब हाथ उठा के क्या जोर से हैदर, पीछे वाले कुछ बंदे नाराज हैं, क्योंकि ये तो सारे मुहिबे अहले बैत हैं, क्यों, कोई मरहब की नस्ल से हो तो उसे अली की शानी अच्छी लगती, मरहब की नस्ल को नहीं पता कि मौला अली क्या है, सुन्नी को पता है मौला अली का क्या मकाम है। अब आगे पीछे वाले जोर से के नारे, हैदर 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 हैदर।
मुख्तदर सामी हजरात ये आपको पलेखा नहीं होना चाहिए, मुगालता नहीं होना चाहिए। जी वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं, बी 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 कोई नहीं। ये बात है असल में, अल्लाह अकबर देगे पकाने ने रोला, ये तो बात है, ठीक है करते रहो। रिजल्ट वली क्या बोलो बोलो वली। अल्लाह अकबर, ये सरकार पाक का अपना फरमान है, अल हक मअल अली वल अली मअल हक। और आपने आज बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मैं अब्दुल राजिक साहब को कह रहा था कि आज मेरा बोलने पे दिल नहीं, दिल कर रहा है कि आज इस तस्बीह पे या हुसैन कर, दिल सच्ची बात है हमारा कर रहा था, सच्ची बात है तकरीर करनी, लेकिन आपके चेहरों की वजह से और आपके बोलने की वजह से कुछ बोल रहे हैं। तो अब तवज्जो कीजिए, हुजूर ने फरमाया अल हक मअल अली, आपने कई मरतबा सुना होगा वल अली जो मअल हक और अली इकट्ठे हैं। बोलो हक विलायत है, जिधर हक है उधर विलायत है। अली अली और हक इकट्ठे हैं, जिधर अली होगा उधर हक सच होगा, जिधर हक होगा उधर अली, जिधर अली होंगे उधर एक जगह कुरान 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 तफीमुल कुरान नारा लगता है। जब हैदरी चुप कर जाता है, इधर से कुरान भी इधर से हदीस भी सारा कुछ है, नारे हैदरी में दर्द पड़ जाता है, क्योंकि हक का दावा है अली कोई नहीं, इधर अली का नारा है हक कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इधर नारे हैदरी है, नारे हैदरी है और कुछ नहीं, इधर सब कुछ है नारे हैदरी कोई नहीं। तो हुजूर ने तो फरमाया अल अली जो मअल हक वल हक मअल अली, जिधर अली होगा उधर हक होगा, जिधर हक होगा उधर अली होगा। फिर मानना पड़ेगा, सुन्नी भी अली को नहीं मानते। एक मरतबा जोर से कहो, जोर से सारे कह दो, सुन्नी बी अली को नहीं मानते। सुन्नी पीछे से आवाज है, सुन्नी सुन्नी ये आपकी समझ शरीफ में बात आ गई। अब मुख्तदर सामीन हजरात ये बात आपकी बारगाह में रखने लगा हूँ कि आप ही जब सच्चे हैं, आप ही सच्चे हैं, तो फिर सुस्ती नहीं होनी चाहिए कि कुछ देख के कहे लगता नहीं। आप हाथ उठा दे चेहरा खिल जाए, ये तरबियत के लिए मैं कह रहा हूँ ना, सुस्ती होती है, ये एक सुस्ती है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन मुक्तदर सामीन हजरात ये बात आपके जहन शरीफ में होनी चाहिए, और अगर आपकी तवज्जो है तो मैं एक दो बातें और कर दूं वरना वास कर देते। अगर आपकी तवज्जो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। आला हजरत की बात मुकम्मल करके आला लोगों की नजर करने लगा। जी आला हजरत फरमाते हैं लैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहले البيت لانفسهم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول الله ومن احب رسول الله وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول الله। अब तवज्जो कीजिएगा, आप फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह से प्यार है तो फिर सबसे प्यार का है किससे, कहानी बढ़ने के इससे प्यार किया इससे ना किया, इससे प्यार किया इससे बुग्ज रखा, ये तेरी जाती मोहब्बत है। अगर सरकार से प्यार कर रहा है तो फिर ये ना देख ये कौन है, ये देख वो किसकी वजह से प्यार हो रहा है, किसकी वजह से मोहब्बत है। सहाबा या अहले बैत की मोहब्बत हुजूर की वजह से है, तो जब हुजूर की वजह से मोहब्बत है तो फिर सबसे प्यार करना होगा। एक जुमला थोड़ा सा कड़वा है लेकिन आपको कड़वा नहीं लग रहा, किसी और जगह कड़वा हट जाएगी, आपके तो चेहरे खिल जाएंगे। ये पता चला कि जब रसूल की वजह से मोहब्बत है तो फिर कहानी वंड नहीं होगी, इससे कर लिया इससे ना किया, इससे किया इससे ना किया, बल्कि ये कोड़ा जुमला क्यों है, मैं किस वजह से कह रहा हूँ, पता चला जो रसूल का आशिक है, रसूल का मुहिब है, वो अबू बकर की अलिफ से लेकर मुआविया की याद तक जन्नती पर जन्नती नहीं बोलेंगे तो जहन्नमी बोलेंगे। जन्नती हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती।
अच्छा एक मच क्या बात है हजरत आपकी क्या बात है, अल्लाह आपको और हुजूर का इश्क दे। सहाबिये नबी पर तो मसले कोई नहीं, सहाबिये नबी पर मसला कोई नहीं, क्योंकि अहले तशी कहता, मैं समझाने के लिए नाम ले रहा हूं वरना मेरी तबीयत नहीं होती, अहले तशी कहते हैं कि सहाबी को तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो सहाबी, ये मसला है, ये मसला है असल में, वो सहाबी, सहाबी को तो जन्नती हम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो सहाबी, सहाबी नबी जन्नती पर तो उसका भी इख्तलाफ नहीं, सुन्नी का शार है हर नबी। अब जो हाथ नीचे है तो मैं क्या बोलूंगा आपकी बात, अब आप तो मैं नारा लगाऊंगा, नारा लगाऊंगा, मसले हर का है। अच्छा जो सुन्नी है चाहे पिंडी में है चाहे फैसलाबाद में है चाहे लाहौर में है चाहे मुल्तान में, जो हो सुन्नी उसे हर से क्या मसला है। शिया को तो मसला है हर से, पता चला मैं नाम ले रहा हूँ मोहब्बत से ले रहा हूँ, हर से अकीदा है उनका, हर को नहीं मानते, सुन्नी को क्या हर से मसला। जब दाता साहब हर वाले हैं वो उस पर हर वाले हैं, मेर अली हर वाले हैं, हाँ जमात अली हर वाले हैं, सारे हर वाले हैं, ओए तू सुन्नी होकर हर से तुझे क्या डरता है। मर्जी से मैं भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, अगर सुन्नी हो तो फिर दाता को मान, मेर अली को मान, जमात अली को मान। और मैं एक जुमला कह दूं, माहौल बना है तो मैं कह देता हूं, और आपका तो हर साल ही माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत माहौल होता है। हाँ जी अल्लाह अकबर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं हर हर उस बंदे पर नजर रखो जो हर को नहीं मानता, हर वो बंदा सब कुछ हो सकता है सुन्नी नहीं हो सकता। अगर आपका यकीन है तो फिर हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, रेफरेंडम हो गया ये, अल्लाह अकबर। हर वो बंदा जिसे हर से दर्द है, हर से अगर दर्द है चेहरा देख लो, हर से अगर दर्द है उसका मसला ही नहीं। मैं काले की बात नहीं कर रहा, मैं चिट्टे की बात कर रहा हूं, हर उस बंदे से जिसको हर का परेशानी है उस पर नजर रखो, हर हर वो बंदा जिसे हर सहाबी नबी जन्नती पे मसला है वो हर हर सब कुछ हो सकता है सुन्नी। आवाज बुलंद करके कहो, जोर से कहो, अगर पीता है तो जोर से कहो, ऐसे ही है। तो फिर उनसे तरला लो यार, तुम्हें तुम जितने भी लो हम हर हर से कहते हैं, तुम जितने भी हो हम हर हर से तरला दे रहे हैं, हर का इख्तलाफ है उनका सुन्नी, तेरा इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो अगर कुछ हर का मसला है वो कुल वादल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान की आयत है, ये किसी बुजुर्ग का नारा नहीं, बुजुर्ग की तवज्जो दिलाना हो सकती है, कोई बुजुर्ग तवज्जो दे सकते हैं, अपने अंदाज में तर्जमा कर सकते हैं हर सहाबी है नबी, लेकिन असल में वकुल वादल्लाहुल हुस्ना है, और जो सुन रही है वकुल वादल्लाहुल हुस्ना को सिद्ध के दिल से मानता है, अल्लाह अकबर जल्ला शान। और अब एक और मोहब्बत से मैं जुमला कहने लगा हूँ, शाहजी भी बैठे हैं, मोहब्बत से कहने लगा हूँ, एक और सुस्ती है हमारे अंदर, और वो सुस्ती इसलाह कर दूं, बोलो होनी चाहिए या नहीं, बात थोड़ी सी कड़वी है, टीका है, हाँ जी इंजेक्शन है, लेकिन इंशाल्लाह बीमारी दूर होगी। अच्छा मुजद्दद अफसानी सरकार फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सुन्नी तेरा शार तेरी पहचान, अब अगर आपकी तवज्जो इधर उधर हुई तो फिर ज्यादती है, तेरी पहचान सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन,
ये अहले सुन्नत की पहचान नहीं। अहले सुन्नत की पहचान या हुसैन, या हुसैन ठंड है, या हुसैन नूर है, या हुसैन सुरूर है, लेकिन अहले सुन्नत की पहचान सिर्फ या हुसैन में नहीं। हुजूर किस वजह से है? मुझे तो सब फरमाते हैं अहले सुन्नत की पहचान या हसन या हुसैन। अब तवज्जो नारा लगाना और मैं लगाऊंगा, थोड़ा समझा लूं, थोड़ा सा समझा लूं मैं। हाय हाय हाय, या हुसैन या हुसैन। आते भी नारा लगाए ना, लेकिन तवज्जो नहीं थी। हजरत ने नारा लगाया लेकिन आपने जवाब क्या दिया? आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। आँख दी ठंडक वखरी है, दिल दा चैन वखरा, दो हस्तियां ने। आँख दी ठंडक या हसन, दिल दा चैन। आवाज ही नहीं आ रही। आँख दी ठंडक या और दिल दा चैन। मेरे हजरत एक बात किया करते थे शाह जी, मेरे हजरत फरमाया करते थे, फरमाते थे ये देखो बिजली चल रही है, बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसके पीछे दो तारे हैं या अकेली है? कितनी है? बोलो बोलो। तेरा बल्ब दो के बगैर नहीं चलता, तेरे दिल का ईमान का दिया या हुसैन से कैसे चलेगा? दूसरी भी लगा, या हसन। आवाज थोड़ी थोड़ी और बुलंद कर दीजिए ताकि वहां भी जाए, या हसन। हाथ नीचे, या हसन। डबल आवाज करो, या हसन। कसम मुहर्रम को मैं कसम उठाता हूं, तुमसे मौला अली खुश हो रहे हैं, सैयदा ज़हरा खुश हो रही है, या हसन या हसन या हसन। और आपको शाह साहब और सदात का वास्ता दे रहे हैं, इसी तरह आपने 12 मर्तबा कहना है, और मदीने वाले की आपको निगाह होगी, मैं वैसी ही कह रहा हूँ, 12 मर्तबा मैंने भी कहना, जोर से हाथ बुलंद करके। छोड़ो छोड़ो इस चीज को, तकरीर हो रही है नहीं, तसव्वुर करो, हो सकता है आज ही दोनों सवारियां आ जाएं, तो 12 मर्तबा जोर से कहो, या हसन बाद बैनर लगे, इश्तिहार बने, नारा लगे, या हुसैन कल्ला नहीं। सैयदा ज़हरा की आंखें का एक आंख है, कितनी है? बोलो। नूरे ऐन कितने हैं? दो। तो तू कल्ला 10 मुहर्रम नु देगा पका के नारे ला के, ते 28 सफर ते 5 रबीउल अव्वल तेनु याद ही कोई नहीं, इमाम हसन याद कोई नहीं, 10 मुहर्रम तेनु याद है, तेरा बल्ब के नहीं जलना है? मेरी उनसे मसला ही नहीं, उन्हें मसला अंदर बीमारी उधर तो है, लिखने में आता है, मर जाना यार कब्र में जाना है, कोई मसला नहीं, मौत तो इधर भी आनी है, कब्र में भी आनी है, गाड़ी में भी आनी है, जिधर भी आनी है मौत तो आ जाएगी, जो रात कब्र में वो बाहर, लेकिन लिखने में आता है या हसन, ये आता है लिखने में, लेकिन चलो अपने तौर पे कह लेता हूँ, ना घोड़ा ना मजलस ना रोला ना रोना ना कुछ ना कुछ ना कुछ, तो क्या वो शहीद नहीं हुए? एक और मैं दुखती रात पर और दुख दिल से कहना चाहता हूं, ये जो 12 इमाम पाक हैं, सुभान अल्लाह, आले सुन्नत के नजदीक ये अकीदा नहीं, क्या अकीदा है? आले सुन्नत का अकीदा ये है कि 12 ही नहीं, 12 भी। मैं कैसे अकीदा समझाऊं तुझे? 12 ही हैं, उधर कहते हैं 12 ही है, 12 ही है, 12 ही है, यार आगे 12वें आने, 12 ही हैं, हम कहते हैं 12 ही नहीं,
समझ आई है या नहीं? इस पर कभी आधा घंटा फिर बोलूंगा। ही और बी पर बारह ही नहीं, बारह भी है। अल्लाह अकबर। इसमें यह है, इधर कहा जाए जी इधर क़िबला शाह जी ही है, तो बाकी हज़रत शाह साहब उलमा पता चला और कोई बंदा शाह जी ही है, तो जब कहा जाए शाह जी भी है, हम कहते हैं सिर्फ बारह ही नहीं, तेरी नस्ले पाक में है। हाय हाय हाय, मैं कैसे समझाऊं यार, मुझे एक निश्चित में जाना है और मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक ज्यादती है कि नहीं, तवज्जो आपने करनी है, मैं सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूं। इमाम हसन और हुसैन पाक को मौला अली ने नवाजा, दोनों को नवाजा या कल्ले को? बोलो बोलो, दोनों को या कल्ले को? बोलो दोनों को। अच्छा, इमाम हुसैन पाक की नस्ल में तो सारे ही इमाम हैं, ये बारह में अक्सर इमाम हुसैन पाक की, इमाम हसन का एक भी पुत्र इमाम नहीं। क्या सवाल है या नहीं? ज्यादती है उम्मत की नहीं है ना? इमाम हुसैन के औलाद हम मानते हैं, हमें इनकार कोई नहीं, इमाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हसन का एक भी नहीं, इमाम मेहदी के सवाल एक भी नहीं। यार दुख की बात कर रहा हूं, दुख से कर रहा हूं, दुख के कर रहा हूं, आपकी तवज्जो के लिए कर रहा हूं। इमाम हसन के शहजादों का मैं नाम लूं, मैं और क्या नाम नहीं लेता, जिनको आप नाम जानते हैं मैं उन दोनों का नाम लेने लगा हूं। इमाम हसन के दो शहजादों का नाम लेने लगा हूं। एक शहजादे को दुनिया गौसे आजम अब्दुल कादिर कहती है और एक शहजादे को दाता भी हजवेरी कहती है। उनकी नस्ल में कोई इमाम नहीं। दुख है कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ जी, और इसीलिए आज वो इमाम हसन की सुलह का मसला उधर, मसला सुलह अमीरे मुआविया है, जिसकी वजह से आज हर जगह लोग जाते हैं, बगदाद में गौस पाक के पास नहीं जाते, बगदाद मौला ये नहीं जाते, क्यों? हसनी है। हमेशा जाएंगे, दाता साहब नहीं जाएंगे, क्यों? दाता साहब हसनी है। मैं खोल के बोल रहा हूं, ये है दुख और बुग्ज सुलह अमीरे मुआविया का, कि उनकी नस्ल को भी नाम नहीं लिया जाता, उनका नाम लिखा जाता है लिया नहीं जाता, लिखना भी मजबूरी है। हाँ, तो मैं अर्ज करता हूं उनको तो मसला है, लेकिन सुन्नी को कोई मसला हो सकता है? बोल, कोई हो सकता है? बोल, तो फिर तुझे या हुसैन या हुसैन या हुसैन नहीं, मैं चुप करके नहीं, मैं आप नारा ऐसा नहीं सुनना चाहता, जोर से को या हसन या हसन। तुम्हारी हाथ नहीं बुलंद, किस्मत बुलंद हो रही है, या हसन या हुसैन। अब एक वादा ले लूं आपसे, शाह साहब की मौजूदगी में वादा ले लूं, माशाल्लाह बुजुर्ग और मुंतजमीन भी बैठे हैं, सबसे वादा लेता हूं, जैसे 10 मुहर्रम और मुहर्रम के प्रोग्राम कर रहे हो, सफर में यौम हसन भी मनाओ, सुन्नियों यौम हसन के कर किस आपकी शहादत कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए। मुजद्दद अलफसानी ने फरमाया, अगर तू सुन्नी बच के रहना चाहता है, अगर तेरा ईमान बचाना चाहता है, फरमाया जैसे हुसैन को मानता है उससे डबल हसन को मान, तब तू बच सकेगा, वरना बॉर्डर ही कोई नहीं, या हुसैन या हुसैन, पहचान ही कोई नहीं, या हसन या हसन। वाह वाह, मजा आ गया, क्या कहना है? और कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? हाथ उठाओ, होगी कि नहीं? जहां जहां से भी होगी, माशाल्लाह होगी, फिर बख्शिश होगी।
हाय 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 इमाम हसन की कॉन्फ्रेंस में तज़किरा हुसैन हो और इमाम हुसैन की कॉन्फ्रेंस में तज़किरा हसन हो। वैसे मैं हजरत इमाम हसन पाक की शान, चूंकि वक्त नहीं लेकिन मैं बयान करूं, लेकिन मैं शाह साहब के जुमले से एक जुमला लेकर इमाम हसन पाक की शान में एक जुमला सिर्फ कह दूं और मैं समझूंगा मेरा जमीर मुतमिन हो गया है और मैंने इमाम हसन की शान बयान की है। अगर मैं इमाम हसन की शान में एक जुमला कहूँ और आपकी समझ में आए तो फिर चुप नहीं रहना। इमाम हसन की शान में एक जुमला, इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। बोलो अगले यौम पाक की तिथि होनी चाहिए। वाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सफर के आखिरी अशरे में या रबीउल अव्वल के पहले अशरे में मिलाद आपका, अब यौम हसन मना, नाने का भी नवासे का भी, नाने को भी राजी नवासे को भी राजी करें। अल्लाह अकबर जल्ला शान। मुक्तदर सामिन हजरात, अब मैं बात चलो एक और कर देता हूँ शाह जी की मौजूदगी में मोहब्बत से, चलो मोर लग जाएगी। सरकार ने फरमाया सुलह करेगा ये मेरा पुत्र, अली के बाद इस कायनात में सबसे बड़े शाह जी कौन है, सबसे बड़े शाह जी मौला अली के बाद कौन है, जोर से बोलो ना। कब्ज नहीं होनी चाहिए, कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ है, कब्ज है। हाँ जी कब्ज नहीं होनी चाहिए बोलने में बिलखसूस। मौला अली के बाद कौन है इस कायनात में सबसे बड़े शादी, सबसे बड़े शादी। जब सबसे बड़े शादी सुलह कर रहे हैं हजरत मुआविया से, छोटे छोटे शादी को क्या मसला है। तुम्हें मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और इस लिहाज से मुक्तदर सामी नजरान, मैंने आयत तो पढ़ी थी ला उकसिमु बिहादल बलद, चाहता तो था कि इस पर भी बात करूं लेकिन अभी बुनियाद बंदी है। चलो एक दो जुमले कह देता हूं, ला उकसिमु बिहादल बलद पर इमाम राजी लिखते हैं, आला हजरत ने लिखा है कि ये आगे वजह कसम अल्लाह के महबूब, आपने सुनी हुई है लेकिन मैं एक जुमला कहने लगा। फरमाया मुझे शहर की कसम है, वजह कसम क्या है, वो अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, ये हुजूर के कदमेन वजह है। जिस तरह जानदार तरीके से आज सुना है, आगे भी जो सलामी पेश हो रही है जिस बारगाह में तवज्जो कीजिएगा, कदम हुजूर के लगे, आला मजदलफा भी है, सफा भी है, मरवा भी है, रुकने यमानी भी है, रुकने शामी भी है, लेकिन वजह कसम हुजूर के कदम है। वो अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, सोने तेरे कदम लगे हैं। अब तवज्जो से, हुजूर के कदमेन की वजह से मक्के की कसम है, तो सरकार की जात के एतबार से मुझे यकीन है कि जब सुनेगा ठंड पड़ेगी। सरकार की जात के एतबार से, हमारी और उनकी नहीं, जात के एतबार से सरकार के कदम आला हैं या लाप, फैसला करना फिर मैं बोलने लगा। कदम आला हैं या बोलो कदम या लब, सुभान अल्लाह आवाज आए, लबे पाक आला है ना कदम, उनसे कदम लगे तो रब कसम फरमाए उस हुसैन जिसके गले को हुजूर ने चूमा, जहां कदम लगे रब कसम फरमाए, और जिन शहजादों को लब लगे हाय 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 हाय। अब मैं एक और जुमला भी साथ कह दूं, चलो आपकी बारगाह में अल्लाह ताला मजीद बरकतें दे दे शाह साहब के सदके सादात के सदके। अब आपकी बारगाह से ये मैं पूछना चाहता हूं इंसाफ के साथ कि अगर सरकार के कदम लगे तो अल्लाह कसम फरमाए, कदम सिर्फ कदम लगे अल्लाह कसम फरमाए, गारे शौर पर वो नबी जिसके कंधों पर है, अबू बकर सुनिए तो बोल, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर।
मेरा दिल तो कर रहा था कि आज उन पाक बारगाहों में जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरियार हैं, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिर्रुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क हैं, काशिफ असरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं, शहजादे गुलको गबा हैं, राकिब दोश मुस्तफा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्स दुहा हैं, नक्शे बदर दुजा हैं, पैकरे सिद्क सफा हैं, नवासे सय्यद सकलैन हैं, जीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, सय्यद इमाम हसन, सय्यद इमाम हसन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बरकत अता फरमाए। वा आखिर दावा या अल्लाह।